हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से ईरान की रेसिपी शेयर कर रही हूँ एंड आई एम वेरी मच श्योर कि ऐसी रेसिपी आपने पहले कभी नेट पर देखी नहीं होगी। हमारी रेसिपी सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से बनती है और बेहद ही लजीज बनती है। तो चलिए देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स को। रोस्टेड एंड कोस्टली ग्राउंड कोरिएंडर सीड से ये हमारी डेलिकेसी का फ्लेवर और एनहांस होता है, तो आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन स्किप इट ऑल्सो। एक डीप बॉटम पैन में हमें घी को गरम कर लेना है अच्छे से। घी के हल्का सा गरम होते ही हम इमीडिएटली इसमें गेहूं का आटा ऐड करेंगे, व्हीट फ्लार, और इसे हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। जब तक हमें आटा रोस्ट होने की अच्छी सी खुशबू नहीं आती है तब तक हमें इसे भूनते रहना है। ये रेसिपी मेरी कुक बुक से है जो कि मैंने 2016 में लिखी थी और बुक लॉन्च मैंने 2018 में किया था। हमें आटे को गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करना है। जब हमारा आटा रोस्ट हो जाता है तो हमें बहुत ही अच्छी सी उसकी खुशबू आने लगती है आटा भूनने की, तो गोल्डन ब्राउन होने तक हमें आटे को रोस्ट करना है। मॉनसून में, विंटर में कई बार हमें क्रेविंग्स होती है कुछ मीठा खाने की, पर हेल्दी खाने की। अगर आपको हेल्दी और गिल्ट फ्री खाना है तो ईरानी खजूर डिलाइट आप बना के इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि ये दिस इज़ विदाउट शुगर एंड विदाउट रिफाइंड फ्लावर और काफ़ी हेल्दी भी है ये। देखिए हमारा आटा कितना अच्छे से रोस्ट हो चुका है। जैसे हमारा आटा रोस्ट होता है किचन में बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है, और देखिए हमारे आटे के ऊपर बबल्स भी आ रहे हैं और कलर भी ब्राउन हो चुका है। हमारा आटा बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो चुका है। चलिए मैं डेट्स को भी ऐड कर लेती हूँ। हम 4 से 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, मैश करेंगे, ताकि वेल कम्बाइंड हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारी हेल्दी एंड डिलीशियस खजूर डिलाइट रेडी है। चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। और मैंने गार्निश किया है आलमंड स्लीवर्स एंड रोज पेटल से। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी वो उतना ही डिलीशियस लगता है। आई होप आप लोगों को ये हेल्दी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप अगर घर पे ट्राई करते हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इन कमेंट बॉक्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।